हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। माय नेम इज़ प्रियांशी। टुडे टॉपिक इज़ भारतीय नेताओं के उपनाम रिलेटेड क्वेश्चंस। इस वीडियो में कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर डी, चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर बी, शांति पुरुष। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? उपरोक्त सभी, सरदार, लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? राइट आंसर सी, ए और बी, प्रियदर्शनी, भारतीय लौह महिला, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। भारत कोकिला सरोजनी नायडू का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू का उपनाम क्या है? राइट आंसर सी, ए और बी दोनों, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला। क्वेश्चन नंबर सेवन, देश के पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम को किस उपनाम से जाना जाता है? राइट आंसर बी, बाबूजी, बापू। बापूजी किसे कहा जाता है? बापूजी महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। नंबर एट, APJ अब्दुल कलाम को किस उपनाम से जाना जाता है? राइट आंसर ए, मिसाइल मैन। ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 11 नंबर के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत का वृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर बी, दादा भाई नेहरूजी। इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया यानी भारत के अनौपचारिक राजदूत कहा जाता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नेहरूजी ने किया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर टेन, देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर सी, चितरंजन दास। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। नंबर 12, लोकमान्य के उपनाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर सी, बाल गंगाधर तिलक को। नंबर 13, महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ए, मदन मोहन मालवीय को। महामना की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नंबर 14, राजा जी के उपनाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर डी, सी राजगोपालाचारी जी को। क्वेश्चन नंबर 15, नेताजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर सी, सुभाष चंद्र बोस जी को। क्वेश्चन नंबर 16, लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ए, जयप्रकाश नारायण जी को। नंबर 17, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर डी, रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रवींद्रनाथ टैगोर जी ने। नंबर 18, दीन बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर सी, सी एफ एंड्रयूज।
देश बंधु किसको कहा जाता है? तो चितरंजन दास जी को। नंबर 19, पंजाब केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर सी, लाला लाजपत राय जी को। क्वेश्चन नंबर 20, शहीद आजम के उपनाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ए, भगत सिंह जी को। क्वेश्चन नंबर 21, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? राइट आंसर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के शिल्पकार, बाबा साहेब और आधुनिक भारत के मनु। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस उपनाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, सो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।